नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी की तबीयत फिर खराब हो गई है। मुलायम सिंह को गुरुवार को दिन में लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इमरजेंसी में भर्ती होते ही इनका इलाज शुरू हो गया था और अब उनको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव जी को पेट में गड़बड़ी की शिकायत रहती है। उनके साथ काफी देर तक उनके छोटे भाई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री सिंपल सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और पूर्व सांसद डिंपल यादव जी हॉस्पिटल पहुंचे थे। दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया था कि मुलायम सिंह यादव को तकरीबन 5 दिनों से कब्ज की दिक्कत थी। इस वजह से उन्हें बुधवार को मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। इंडोस्कोपी के जरिए उनका उपचार किया गया है, जिसके बाद अब उनकी स्थिति सामान्य है। शुक्रवार को उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। उधर समाजवादी पार्टी की ओर से भी बयान जारी कर मुलायम सिंह यादव के स्वस्थ होने की बात कही है। सपा ने ट्वीट किया था, आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी और वरिष्ठ समाजवादी नेता श्री पारसनाथ यादव जी की ईश्वर की अनुकंपा से स्वस्थ है और अस्पताल में स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। बता दें कि मुलायम सिंह यादव की बढ़ती उम्र की वजह से आने वाली बीमारियों से पीड़ित है। इसके साथ ही उन्हें पेट की दिक्कत है, चलते कई बार हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा चुका है। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव जी की अभी तबीयत स्थिर है और उनकी अफवाह फैलाई गई थी उनके लिए कि उनको कोरोना हो गया है। नहीं, उनको पेट की तकलीफ थी इसलिए उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अभी उनकी हालत स्थिर है और अच्छे है, ठीक ठाक है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, नमस्कार।